बिल्कुल। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, अपने नागरिकों को हमास के कब्जे से छुड़ाने के लिए ब्रिटेन ने बड़ा प्लान बनाया है। यूके की स्पेशल फोर्स इजराइल की मदद करेगी, ब्रिटेन का कहना है। ऋषि सुनक भी पहुंच रहे हैं इजराइल। हमास ने 10 ब्रिटिश नागरिकों को बंधक बनाया है। यूके की स्पेशल एयरफोर्स इजराइल पहुंचेगी। अब यूके किस तरह से मदद करेगा ये देखिए सामने आ रहा है। अमेरिकी स्पेशल फोर्स भी इजराइल में मौजूद है। जो बंधक है उसमें यूके के भी नागरिक हैं, और इसीलिए यूके ने बड़ा कदम उठाया है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्स के साथ मिलकर इजराइल में यूके की भी एयरफोर्स होगी और ये पहुंचेगी, मदद करेगी। हमारे साथ राजेश कुमार जी हैं। राजेश कुमार जी, आप एयर मार्शल के तौर पर रहे हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि ये जो एयरफोर्स का शामिल होता है या स्पेशल फोर्सेस का शामिल होता है मुल्कों की तरफ से, ये कितना मददगार साबित होता है उन इलाकों में जहाँ जंग चल रही है। देखिए, स्पेशल फोर्सेस को ये होस्टेज नेगोशिएशन और होस्टेज एक्सट्रैक्शन में ट्रेनिंग मिली हुई होती है, और ब्रिटिश के जो स्पेशल फोर्सेज है, SAS जिनको कहा जाता है, उन्होंने कई सक्सेसफुल होस्टेज ऑपरेशंस किए हैं। 10 ब्रिटिश होस्टेजेस गाज़ा में मौजूद हैं। किस तरह से वो उनको निकाल पाएंगे इस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में, और क्या उनकी रणनीति होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन स्पेशल फोर्सेस जो हैं उनके पास जो क्षमता है, जो इक्विपमेंट है, जो वेपन्स हैं, उसमें वो बहुत मुश्किल। सर, यहाँ पर एक सवाल है जहन में, ग्राउंड ऑपरेशन ही इन बंधकों को छुड़ाने का एकमात्र जरिया नजर आ रहा है वोरा साहब? बातचीत के सारे रास्ते जो हैं वो क्या बंद हो गए हैं पूरी तरह से? उनसे कोई हासिल वसूल नहीं निकलेगा, ये सबने मान लिया है क्या? मिस्र और ईरान के जरिए बातचीत करके बंधकों को छुड़ाने की कम से कम कोई पहल नहीं हो सकती? ईरान ने तो ऐलान कर दिया था कि आप बॉम्बिंग बंद करो तो इनको छोड़ देंगे। वो तो स्पोक्समैन है ना हमास का। हमास वालों ने भी यही कहा था कि आप हमारी बहुत पिटाई कर रहे हो, पिटाई करनी बंद करो तो हम छोड़ देंगे। और ईरान ने ये भी कहा कि फिलिस्तीनियों को छोड़ो अपनी जेल से। तो ये सर जो कहने की बात है कि हॉस्टेजेस को आप नेगोशिएटिंग टैक्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसराइल ने एक अपने सिपाही जो 5 साल से इनके साथ इनकी कैद में था उसको छोड़ दिया था, 1,000 हमास के आतंकियों को छोड़ दिया था, बदले में 5-6 साल पुरानी बात है। लेकिन अब ये नहीं करेंगे सर, बिकॉज इससे कोई फायदा नहीं होता। जहां मैं समझता हूं कि हॉस्टेजेस इस समय उनको छुड़वाना इसराइल की बहुत लो प्रायोरिटी, बड़ी प्राथमिकता है। ब्रजेश कुमार जी, एक आखिरी कॉमेंट आपसे, आप क्या मानते हैं, ये अभी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो हॉस्टेजेस को छुड़ाना है, और वो अमेरिका भी मानता है, ब्रिटेन भी मान रहा है? हॉस्टेजेस को छुड़ाना वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो उस दुनियादारी की तरफ से देखते हैं, तो वो प्रायोरिटी तो बिल्कुल है, लेकिन कैसे छुड़ाएं वो नेगोशिएशन के जरिए ही होगा। बिल्कुल, और पैसे उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी आपका, और राजेश जी और वोरा साहब आप सभी का।